हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगी, काफी दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, बता नहीं सकती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और आज मैं जा रही हूँ अपने गाँव यानी कि उत्तराखंड। आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ और अभी बज रही है रात की 8 और हमारी जो बस है गुड़गांव से वो है 9 बजे की। तो 9 बजे हम लोग बस से चले जाएंगे और हम अगले दिन 11 या 12 बजे तक वहां पे पहुंच जाएंगे ससुराल में। तो चलिए आप लोग भी देखिए मेरे साथ कैसा मेरा ये सफर रहता है गुड़गांव से और उत्तराखंड का। साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे हमारे उत्तराखंड की वादियां हैं। तो आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हम सभी लोग घर से निकल चुके हैं और हम लोग अभी अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड में और यहाँ पे ये ऋषिकेश की गाड़ी लगी हुई है, हमने इसी में बैठना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सभी लोग अपनी अपनी सीटों में बैठ चुके हैं और ठंड इतनी है क्या बोलें, इसीलिए हम सब लोग टोपी जैकेट वगैरह पहन के बिल्कुल रेडी होके अपने बैठ चुके हैं। बस पूरी भर चुकी थी, बस थोड़ी देर में ही हमारी बस यहाँ से निकल जाएगी। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं गुड़गांव में इतनी ज्यादा जाम लगी थी कि गाड़ी बहुत ज्यादा लेट हमें रुकना पड़ा गुड़गांव में। जहाँ हमने काफी जल्दी ऋषिकेश पहुंच जाना था वहाँ हम बहुत लेट में ऋषिकेश पहुंचे क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक था, हम बता नहीं सकते। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम ऋषिकेश उतर चुके हैं और अभी जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 5 सुबह के 5 बजे का। ये व्यू है, आप लोग देख सकते हैं कितना सुनसान सा यहाँ पे लग रहा है, बिल्कुल अंधेरा है और बहुत ज्यादा ठंड है। सो गाइस ऋषिकेश में यानी कि हमारे उत्तराखंड में सुबह का व्यू ऐसा है, कुछ इस तरीके से है, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा हुआ था और हम लोग 5 बजे वहां से निकल चुके थे अपने ससुराल के लिए। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 3 धारा में और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे हस्बैंड और ये मेरे देवर चाय पी रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है कि ठंड में मन करता है चाय तो पीना ही है, इसीलिए चाय पी रहे हैं। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने उत्तराखंड में। सो अभी मैं जहाँ पे हूँ ये पड़ता है धारी देवी से थोड़ा आगे, तो यहाँ पे श्रीनगर भी बोला जाता है, वहीं पे मैं हूँ अभी। और यहाँ पे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये डैम है, बहुत बड़ा डैम है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग देखिए। तो गाइज ये है वो डैम, बहुत ही ज्यादा बड़ा डैम है, आप लोग देख सकते हैं।
गाइज यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत, मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई क्योंकि ठंड गुड़गांव के हिसाब से यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, जो ठंड हमें सूट नहीं हो पाई, तो इसीलिए तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। थोड़ा हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी तो हम लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा ठीक होगी मैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा बुरी हालत हुई थी। तो चलिए अब थोड़ी देर में निकलते हैं हम, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे का सफर अपना। तो गाइस अभी हम लोग चाय पानी पी के निकल चुके हैं और अभी जो टाइम हो रहा है वो 8 बजे के समथिंग का टाइम है और आप लोग देख सकते हैं मौसम बहुत प्यारा मौसम था, ऐसे लग पहाड़ों के बीच में बादल थे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए हो हम लोग। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है व्यू। यहाँ आके बस एक ही गाना मन में आता है, वो आप लोगों ने ये गाना तो सुना ही होगा, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, बहुत अच्छा मुझे ये गाना लगता है और साथ ही साथ उत्तराखंड के इन पहाड़ों को देख के ये गाना मतलब एकदम सूट करता है और बहुत अच्छा लगता है। मौसम तो यहाँ बहुत प्यारा था लेकिन ठंड थोड़ा ज्यादा थी यहाँ पे। गाइज अब हम फाइनली रुद्रप्रयाग जहाँ पे मेरा ससुराल है पड़ता है वहाँ के मार्केट में पहुँच गए हैं और अब हम अपने ससुराल के लिए निकल चुके हैं क्योंकि रुद्रप्रयाग से मेरा ससुराल थोड़ा 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा, तो अब हम वहाँ के लिए निकल चुके हैं और आप लोग देखिए मेरे ससुराल की वादियाँ यहाँ से शुरू हो चुकी हैं। तो ये रास्ता मेरे ससुराल की ओर जाता है और ये मेरे ससुराल के सामने अपोजिट में मतलब ये पहाड़ दिखते हैं, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं और आप लोगों को भी काफी अच्छा लग रहा होगा देख के। यहाँ पे जब धूप आ जाती है तो बहुत अच्छी धूप रहती है, मतलब जैसे हम गुड़गांव में रहते हैं तो गुड़गांव की धूप में और यहाँ की धूप में हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि गुड़गांव में जो धूप होती है लगता ही नहीं है धूप आई है, इतनी धुंध रहती है, इतना पॉल्यूशन रहता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए बहुत अच्छा धूप और ऊपर से हरियाली इतनी अच्छी, बोल नहीं सकते हैं क्या है, मजा आ जाता है यहाँ के, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी फाइनली हम अपने ससुराल पहुंचने वाले हैं, ये सारा मेरे ससुराल के आसपास का व्यू है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये जो सामने पे दिख रहा है यही मेरा ससुराल है और हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ससुराल पहुंच चुकी हूं, आप लोग देख सकते हैं ये व्यू, ये मेरे ससुराल का व्यू है और ये हमारा घर है ससुराल का। तो अभी हम जस्ट 5-10 मिनट पहले आए थे, सो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं इस वीडियो को एंड कर दूं। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरे ससुराल का ब्लॉग। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, लव यू ऑल।